lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember. तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कार का व्लॉग। जो मैंने आपको बताया था कि हमने सेकंड हैंड कार परचेस करी थी, तो उसके बाद हमने परचेस करने के बाद हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे इसे लेने के बाद, मतलब कितना हमें खर्चा करना पड़ा था इस गाड़ी में। तो आज आपको सारा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मतलब कितना खर्चा हमें हुआ है। मोटा मोटा मान लीजिए अब तो 50,000 रुपये का हमें खर्चा इसके ऊपर हो गया है। तो आपको भी बदल सकता है कि मतलब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद क्या क्या चीज़ें उसमें करवानी जरूरी होती है, और आपको पता चल जाएगा कि सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बाद आपको उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती है लेते समय, कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, कि ये चीज़ें सही है कि नहीं है, ये चीज़ सही है कि नहीं है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। हमने जो ये गाड़ी ली थी 1,90,000 का अराउंड ली थी, 1,90,000 रुपीज़ की पड़ी थी। जो हमें ये गाड़ी चली हुई थी 56,000 किलोमीटर, तो मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा ऊपर कितनी चली हुई थी, और अब चल चुकी है 64,000। तो मतलब ऑलमोस्ट 8,000 to 9,000 चला दिया है, और हमने जितना इसमें खर्चा कराया सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ इन डेप्थ, की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितना हमने मोटा मोटा जो इसमें खर्चा करा दिया है। छोटे मोटे खर्चे तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, मोटा मोटा जो होगा हिसाब वो आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहीं से। चलो तो अब आ जाते हैं गाड़ी के बाहर, आ चुके हैं, बताता हूँ मैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले इसका आता है इंजन, जो हमने इसकी कराई सर्विस। तो देख सकते हैं ये इसका इंजन है। तो इसमें यहाँ पे एयर फिल्टर डलता है, हमने एयर फिल्टर चेंज कराया है, सर्विस कराई है इसकी पूरी, ऑयल फिल्टर वगैरह सब चीज़ क्लीन करवाया है इसमें। तो जिसमें अराउंड हमें कॉस्टिंग आई 5,000 के अंडर ही आई थी, मतलब 5,000 आप मिनिमम मान लीजिए, कॉस्टिंग बढ़ती बढ़ती है। अगर आप एक 1.5 लीटर कार की सर्विस करवाते हैं तो 5,000 तो आपको आराम से कॉस्ट करेगा करेगा, इंजन ऑयल आपका सब चीज़ आपका लेके आते हो तो। और सेकंड आप इसकी देख सकते हैं जो हेडलाइट है ना, इसमें हमने बफिंग कराई है, ये देख सकते हैं, ये पहले इतनी क्लीन नहीं थी, इसके ऊपर एक फिल्म होती है प्लास्टिक की, तो वो हमने जो है इसमें साफ़ करवाई है। उसके भी हमें 600 रुपये कॉस्ट करा था, बट इसकी अभी भी पता नहीं कुछ मोटर है वो ख़राब है, इसमें हमने वाइट बल्ब इंस्टॉल करवाए थे। तो सेकंड जो पार्ट है ये हो गया आपका 600 रुपये का, ये साफ क्लीन, उसके बाद वाइट बल्ब इंस्टॉल कराए हमने वो 600 रुपये के, 1200 रुपये की आपको लाइट की कॉस्टिंग होगी, 5,000 आपका इंजन ऑयल। तो उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता सबसे मोटा खर्चा, कि गाड़ी जब हमने ली थी ना तो इसमें बिल्कुल भी पिकअप नहीं था गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी चली हुई थी 56,000 में, पता नहीं उन्होंने कैसे चलाई कैसे नहीं चलाई। इसका जो क्लच प्लेट था ना पूरी लो थी, जैसे हम रेस देते थे ना तो एक्सलेट RPM जो है 2 पे अटक जाता था, फिर धीरे धीरे डाउन आता था। तो उसके चक्कर में हमने इसका क्लच प्लेट भी चेंज कराई, जिसकी भी कॉस्टिंग आपको पता 6,000 से 7,000 रुपये आराम से आ जाती है। तो ये सब इसका इंटीरियर जो था, और सबसे मैक्सिमम मेन बात जो कि होते हैं टायर गाड़ी के। तो अभी तक हमने इसके फ्रंट टायर चेंज करवाए हैं, जो कि हमने इसमें 185 लगाए हैं, 185 65 और 15 इंच का स्क्वायर है, वो तो आपको पता है। और पीछे वाले टायर अभी इसके साइज़ छोटा है, क्योंकि फ्रंट वाला हमने चेंज कराया, ये 8,000 कॉस्ट करा था हमें अराउंड। तो इसका भी आप लगा लीजिए, 8,000 इसका कॉस्ट हो गया, 5,000 उसका हो गया। तो ये भी हमें दोनों हमने फ्रंट में नहीं डलाए हैं, ये अब तो ये नए हैं। पीछे वाले की आपको मैं ग्रिपिंग दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा खास नहीं, ये भी हमें 10-12 किलोमीटर 1,000 किलोमीटर चलाने के बाद चेंज कराने पड़ेंगे। और अभी आप देखते हो छोटे मोटे खर्चे, ये देखिए ये हिल रहा है, तो मतलब ये तो हमने काउंट ही नहीं करा, ये तो हिल रहा है। वाला जो इसका राइट साइड वाला है, इसे हुड को बंद कर देते हैं, और ये वाला जो शीशा है ना इसका, ये तो पूरा यहाँ से निकल गया था, तो ये हमने पूरा ठीक करा दिया। तो ये सब चीज़ें, और सबसे इसमें अभी नई चीज़ मॉडिफिकेशन कराई है हमने, इसके डोर वाइज़र जो होते हैं ना, रेन वाइज़र कहते हैं, जैसे पता नहीं डोर वाइज़र रेन वाइज़र, तो ये हमने 550 रुपये के लगाए थे, क्योंकि बारिश में थोड़ा दिक्कत हो रहे थे। तो अब हर बार आप एसी चला के नहीं सकते गाड़ी में। और सबसे मेन फोटो कि जैसे आपका बैक बम्पर देख रहे हैं, और फ्रंट बम्पर दोनों हमने रीपेंट कराए हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्क्रैच थे, और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी डिक्की में भी डेंट था, तो यहाँ पे भी हमने रीपेंट करा दिया था इन सब चीज़ों को। तो आप कह सकते हैं फ्रंट बम्पर जो कि हमें कॉस्ट करे थे 3600 रुपये का अराउंड का, फ्रंट और रियर बम्पर इसका, ये है इसका फ्रंट बम्पर, तो ये दोनों हमने पेंट कराया था इसमें, दोनों पेंट कराने के अराउंड हमें 3600 रुपये कॉस्ट आया था। 3600 रुपये का ये हो गया सर्विस आपकी, 5,000 की लाइट्स हो गई, टायर्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ता है सेकंड हैंड कार लेने के टाइम पे, कि उसका पिकअप वगैरह कैसा, उसके टायर्स कैसे। हमने लेते हैं मर्सिडीज़ के शोरूम में, हमारा भाई का दोस्त है वो मर्सिडीज़ के शोरूम में काम करता था, वहाँ से हमने सेकंड हैंड परचेज़ करी थी 1,90,000 रुपीज़ की। अब इसमें आप ऊपर ऐड करते जाइए तो हमें अराउंड ये 2,50,000 के समथिंग पड़ी है। छोटे मोटे खर्चे तो मैं आपको कवर करवा ही नहीं रहा, जो अंदर इसमें मैट्स वगैरह हमने डलवाए हैं वो सब चीज़ें तो मैं आपको गिनवा ही नहीं रहा। तो भाई देख सकते हैं, मैं सेकंड हैंड कार परचेस करने के बाद ना उसमें इतने सारे खर्चे आ जाते हैं, आप पूछो मत, तो छोटे छोटे खर्चे तो आपको दिखते भी नहीं है कि वो आप कब कराए थे पता नहीं चलता। आप गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर भी थोड़ा आपको दिखाते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने कराया है।
तो आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर आपको बताया था कि हमने इसमें क्या क्या काम कराया। सबसे पहला काम जो आप देख रहे हैं स्टेयरिंग में ना, इसके जो यहाँ कवर था ही नहीं इसमें, तो ये बहुत गंदा सा लग रहा था, ब्लैक पूरा। तो ये हमने इसमें नया कवर डलाया था, और गियर बॉक्स का कवर प्रॉपर एकदम फट चुका था, तो ये भी हमने नया स्टिच करा के लगवाया है इसमें। और जो थर्ड आपको मेजर चेंजेस, अभी ये हमने चेंज करवाया नहीं है, देखते हैं, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो ये भी हमें चेंज कराना है। और इसमें हमने यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा, वाइट लाइट, तो ये भी इंस्टॉल कराई, क्योंकि इसकी लाइट कुछ ज़्यादा ही पुरानी हो गई थी, तो हमने ये भी इंस्टॉल करवा दी इसमें। तो ये छोटे मोटे खर्चे, ये सब चीज़ें हमने कराया था। इसका एसी का काम हमने करवाया, क्योंकि इसका एसी की जो हवा थी ना, वो बहुत ही कम हो गई थी। मतलब एक पे भी ऐसा चलता था कि हवा ही नहीं आती थी मुंह पे, तो ठंडी तो अच्छी करती थी बट हवा नहीं आती थी प्रॉपर। तो उसका एसी का पूरी क्लीनिंग वगैरह करवाई है, वो भी 1700-1800 रुपये में होती है। आपको क्या पता है, क्लीनिंग कराने के बाद गैस निकल जाए, सब चीज़ निकल जाती है। तो ये छोटे मोटे काम जो हमने गाड़ी में करवाए थे। इसका चार्जर ख़राब था, चार्जर का सॉकेट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी हमने इसमें रिप्लेस करवाया था। तो ये छोटे मोटे काम है जो हमने इसमें करवाए थे, बहुत सारे। मतलब अब इसका हम छोटा मोटा हिसाब जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा आ जाएगा। तो आप ये डोर वाइजर देखे रहे, इनवाइजर कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब लगने के बाद गाड़ी में। पहले हम इसमें, हमने दो तीन महीने ऐसे चलाई थी, बट हमने अभी लगवाया तो अच्छे लग रहे देखने में बारिश के टाइम पे। तो अब ये सब चीज़ें थी, हमने जो सेकंड हैंड गाड़ी लेते समय देखी नहीं कि क्या क्या खराबी है, क्योंकि हमने ली थी दोस्त के जानने वाले से कि मर्सिडीज़ के शोरूम में बंदा काम करा, उसने कहा गाड़ी का इंजन परफेक्ट ही है। तो हमने जब गाड़ी चलाना शुरू करी ना, जब हमने देखा कि क्लच तो गाड़ी उठी नहीं थी क्लच पे, तो ये सब चीज़ें दिक्कत है ना, तुरंत नहीं पता चलती। जब एक दो दिन आप चलाते हो ना, एक दो घंटे आप गाड़ी कंटिन्यूस चलाते तो पता चलता है। तो भाई हमने देखा इसका क्लच प्लेट ख़राब है, क्लच प्लेट डलवाई, सब चीज़, फिर धीरे धीरे इसमें खर्चा और आने लग गया, कभी शीशा गिर गया चलते चलते, कभी वाला शीशा लूज हो रहा है, गाड़ी का चार्जर काम नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें मतलब देखते। टायर अभी भी बबल करता है, इसके अलाइनमेंट करवाना है, अलाइनमेंट नहीं कराया। अब सर्विस इसकी आने वाली 10,000 चलने वाली गाड़ी, तो सर्विस भी करानी है। सबसे पहले CNG लगवाई इसमें, CNG लगाने के बाद अच्छा खासा फुल CNG में 350 रुपीज़ की अगर हम मान लो CNG डलाई, तो ये गाड़ी अच्छा खासा 150 किलोमीटर चल जाती है, तो वो हमारे लिए तो गुड इनफ है। तो अब यही था सब गाड़ी में हमने जो खर्चा कराया। अब इसके आप सिनेमैटिक्स इन्जॉय कीजिए, और आपको बताना कि वीडियो कैसी लगी ये वाली, कि आपको सेकेंड हैंड गाड़ी लेते समय क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है। आपको पता चल गया होगा मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा जहाँ तक मुझे नॉलेज है गाड़ियों के रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ आपको देखनी है सेकेंड हैंड गाड़ी करते समय लेते समय। तो बस इतना ही रखते हैं, और आप सिनेमैटिक्स इन्जॉय कीजिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शॉर्ट्स भी अच्छे लगे होंगे। तो ये था इस गाड़ी का रिव्यू, होंडा सिटी IV Tech S। तो बस आज लेते हैं, रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, पैसे नहीं लगता है, कर दो यार सब्सक्राइब, अच्छा लगता है। कमेंट करना अपना अच्छा सा कैसा लगी आपको मेरी वीडियो। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो, तो तक रहो, बाय बाय, राइट सेफ, ड्राइव सेफ, ऑलवेज हेलमेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट एवरी माता पिता, महात्मा का, बाय।